थी मेरी दुनिया में, वेलकम बैक। किताब की जमा होती है किताबें, और अगर बहुत सारी किताबें एक जगह इकट्ठी हों तो फिर बन गई किताबों की दुकान, और अगर बहुत सी दुकानें एक जगह इकट्ठी हो जाएं तो बन जाता है बाजार, और अगर पूरे मुल्क के पब्लिशर अपनी किताबें लेकर एक जगह इकट्ठे हो जाएं तो इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं किताबों का मेला। लाहौर के एक्सपो सेंटर में एक ऐसा ही मेला हुआ जिसमें किताबें, सीडीज, कंप्यूटर, क्या कुछ नहीं था इस मेले में। मैं तो नहीं जा सकी, लेकिन मदिया जावेद ने खूब सैर की इस किताब मेले की और चलाकी से एक रिपोर्ट भी बना ली है इस पे। चले देखते हैं। किताब कहा जाता है कि इंसान की बेहतरीन दोस्त है, लेकिन वक्त और जिंदगी की तेज रफ्तारी ने शायद किताब के साथ इंसान की इस दोस्ती के रिश्ते को कमजोर कर दिया है। और आजकल हम किताबों की दुनिया से निकलकर एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां शायद रोशनी कम और गम के साए ज्यादा हैं। लेकिन अगर गम के साए को कुछ देर के लिए कम करने की कोशिश की जाए तो जिंदगी चंद लम्हों के लिए खूबसूरत लगने लगती है। किताबों से इंसान के ताल्लुक को दोबारा जिंदा करने की कोशिश में किताब मेले का इनेकाद किया गया, जिसमें कौमी और बैनुल-अक़वामी सतह पर बुक सेलर्स ने शिरकत की। ये किताब मेला पिछले 25 साल से लाहौर में मुनक्किद किया जा रहा है। पहले इसमें सिर्फ कौमी सतह पर बुक सेलर्स शिरकत करते थे, लेकिन गुज़िश्ता चंद सालों से बैनुल-अक़वामी सेलर्स की तादाद में भी इजाफा हुआ है। So still there are lot many barriers, but I hope that the books will help in bridging. पहले हमारा ये लाहौर बुक फेयर करवाता था, इसको 5 साल हुए हमने लाहौर इंटरनेशनल बुक फेयर कर दिया, इसमें फॉरेन स्टॉल भी आना शुरू हो गया। इस बुक फेयर में 50 से ज्यादा बुक सेलर्स ने शिरकत की, जिनमें भारत, इंग्लैंड और दीगर मुल्कों से आए हुए बुक सेलर्स शामिल थे। मजमूई तौर पर इस किताब मेले को लोगों की अक्सरियत ने पसंद किया, और बहुत से लोगों का कहना था कि इस तरह के मेले लोगों में ना सिर्फ आगाही पैदा करने बल्कि उनकी किताब से नजदीकी पैदा करने में अहम किरदार अदा करते हैं। बट ऑफ कोर्स बुक फेयर्स आर वेरी गुड, पीपल गेट टू सी वैरायटी ऑफ बुक्स अंडर द वन प्लेस, अंडर द वन रूफ, इट्स अ गुड आईडिया एंड वी आर बिल्डिंग अप अ लिटरेरी सोसाइटी। जो बच्चे नई पौध सामने आ रही है उनको पढ़ने लिखने का बहुत शौक है, और वो ज्यादा किताबों की तरफ रागब हैं, और वो बच्चे जो हैं फैमिलीज को लेके आते हैं, और वो ज्यादा शॉपिंग होती है, पहले से बेहतरी आ रही है। इस मेले की खास बात यहाँ पर लगाया गया एक ऐसा स्टॉल था जो कि उर्दू जुबान को दोबारा से जिंदा करने और इसकी अहमियत को उजागर करने के लिए था। यहाँ पर मौजूद हर किताब खास तौर पर पाकिस्तान के बच्चों के लिए थी, जिसमें कदीम तहजीब से लेकर आज तक के अहम वाकयात को तस्वीरी शक्ल में उर्दू जुबान के साथ बयान किया गया था, और उर्दू जुबान की अहमियत के लिहाज से ये एक अच्छी कोशिश तसव्वुर की जा रही है। हमने उर्दू जिससे लोग इतना भागते हैं स्पेशली स्कूल्स में, उसकी एक वजह है क्योंकि उर्दू का कंटेंट और जो बुक्स हैं वो इतनी अच्छी नहीं बनाई जाती। हमने उर्दू की एनरिचमेंट, उसकी डेवलपमेंट, उस कंटेंट में इतना इन्वेस्ट किया है कि वो इतनी बेहतरीन बुक्स बन गई हैं कि जब आप हमारी उर्दू की बुक उठाएं और कोई भी अच्छी बुक निकालें उसको आप कंपेयर कर सकते हैं। इस तरह के किताब मेले लोगों में इल्म की आगाही और शऊर पैदा करने में अहम किरदार अदा कर सकते हैं, और पढ़े लिखे अफराद ही एक पढ़े लिखे मुआशरे का क़याम अमल में ला सकते हैं। ताहम जरूरत इस बात की है कि इस तरह के मेलों के इनेकाद की न सिर्फ हौसला अफजाई की जाए बल्कि मुस्तकबिल में ज्यादा से ज्यादा बैनुल-अक़वामी बुक सेलर्स को इसमें शामिल होने का मौका फराहम किया जाए। मुल्क में पेट्रोल की कीमतों में इजाफा क्या हुआ, लोगों की तो माती मारी गई। अब जिनके पास कारें हैं वो तो जाहिर है महंगा पेट्रोल भी जैसे तैसे करके अफोर्ड कर ही लेंगे, लेकिन मोटरसाइकिल वालों की हालत तो बेचारों की पतली हो गई। लेकिन इसके बावजूद इनके मोटरसाइकिल चलाने के शौक में कमी नहीं आई है। एक ऐसे ही मंचले ने बना ली है ऐसी मोटरसाइकिल जिसे फ्यूल की जरूरत नहीं है। चले आपको भी दिखाते हैं ये अनोखी मोटरसाइकिल। अदाकार कवि खान
जो इतने ढेर सारे ड्रामों में काम कर चुके हैं और अभी भी तो कर रहे हैं, इसी वजह से तो उनका शुमार पाकिस्तान के लिविंग लेजेंड्स में होता है। और आपको पता है कवि खान किस शहर के रहने वाले हैं? हाँ भाई, अरसा हुआ वो भी लाहौर में ही रह रहे हैं, लेकिन उनका आबाई शहर तो है पेशावर। आइए देखते हैं। हम यूसुफ जई पठान हैं और जहाँ तक तारीख का ताल्लुक है, हमें यही मालूम हुआ कि हमारे आबा व अजदाद जो है, ये जो खैबर बेल्ट है, यहीं से आए थे। ज़ाहिर है उस वक्त पेशावर इतना सा होता होगा। मैं अंदर शहर में रहता था, अंदर शहर मस्जिद मोहब्बत खान बड़ी मशहूर तारीखी मस्जिद है, उसके सामने वो कहलाता है। वहाँ ये जो सुनियारों का मोहल्ला जिसे हम कहते हैं उत्तराबा, उसके साथ थोड़ी दूर जाकर स्कूल था, गवर्नमेंट हाई स्कूल नंबर 2। वहाँ से फिर मैं निकला और पेशावर सदर चला गया। तो वो मेरा रेडियो का और सारा सिलसिला पेशावर शहर का, उसे आसम आई गेट कहते थे, और वहाँ एक नाज सिनेमा था, फिर दौ सिनेमा, और मैं रेडियो जाता था, महीने में एक दफ़ा एक फिल्म ज़रूर देख लेता था। और वहाँ का माहौल, यानी उस वक्त पेशावर में आप समझिए, मस्जिद का जो पानी था, हमें बर्फ़ लाने की ज़रूरत नहीं होती थी और उस पानी से कोई नहा भी नहीं सकता था, इस कदर ठंडा गर्मियों में, रोज़ों में ये वो एक बाकायदा कावा वहाँ मिलता था। और उस वक्त 6 पैसे की रोटी मुझे याद है जो मिलती, नान बड़ी टांगे, और कभी कभार कोई गाड़ी भी अच्छी सी नज़र आ जाती थी वहाँ। बल्कि मैंने एक गाड़ी 56 में या 55 में, एक शेवरलेट थी रेडियो पाकिस्तान की, तो मुझे ये नहीं पता था कि जब वो किस्सा खानी बाजार में गाड़ी आएगी और दरवाज़ा वो खोलेंगे तो आपको किस तरफ उतरना होता है। मैंने राइट साइड का दरवाज़ा खोल दिया, छोटा सा मैं था, पीछे से एक टांगा आया और दरवाज़ा लेके चला गया। सलवार कमीज जो थी, मैंने जब मैट्रिक मैंने किया तो पहली दफ़ा मैंने पतलून पहनी थी, मुझे अब तक याद है। और पतलून पहन के मुझसे चला नहीं जाता था अच्छी तरह। पेशावर में, शहर में बड़े बड़े मकानात होते थे, 6 मंजिला, 7 मंजिला, 8 मंजिला, 10 मंजिले। तो वहाँ वो एक ज़माने में आप देखें, नीचे अगर कोई आ जाए सौदा बेचने के लिए, ये तो ख़वातीन क्या करती थी, ऊपर से वो, हाँ, और उसमें वो सौदा, और वहीं पैसे आ जाते थे, वहीं सौदा और वहीं वो। तो वो एक घंटाघर बड़ा याद है वहाँ, पीपल मंडी वहाँ की मुझे याद है, करीमपुरा याद है, सब बड़ी चीज़ें, लेकिन इतना फैला हुआ नहीं था। ऐसा है, कभी कहीं रबाब बजता है या कभी कोई ऐसी पेशावर की कोई धुन, कोई पहाड़ी, कोई ऐसी चीज़ बजती है तो मुझे वो सारा सिलसिला याद आ जाता है, बल्कि ये रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वहाँ कहवा आप देखें, इलायची इलायची डाल के वो ख़ास चैनक होती है, कहवा पकता रहता है उसमें, बल्कि उस ज़माने तो वो मलाई के साथ वो सुबह सुबह रोटी और नाश्ता और चैनक, वो बड़ा मशहूर था और हमारा बड़ा दिल अजीज था। और फल, ऐसे ऐसे फल वहाँ आते थे, आलू बुखारे तो बहुत ही मशहूर होते, ये बड़ा बड़ा सुर्ख लाल आलू बुखारा। जब एक शादी होती है तो दूल्हा जो है वलीमे पर हार वार पहने हुए, वो बेचारा 3-4-5 घंटे गेट पे खड़ा होता है और रिसीव कर रहा होता है सबको, मेहमानों को। और एक परात होती है जिसमें 4 आदमी खाना खाते हैं बैठकर। अब भी मैं जाता हूँ तो मैं सबसे पहले कोई टांगा लेता हूँ या कोई गाड़ी लेता हूँ और मैं निकल जाता हूँ शहर की तरफ, चौक यादगार की तरफ, घंटाघर की तरफ, सदर की छोटी छोटी जो जगहें थी उस जगह, यूनिवर्सिटी की तरफ। बहुत सी चीज़ें पहले नहीं थी, अब हो गई हैं, बहुत सी बिल्डिंग्स नहीं थी, अब हो गई हैं, सड़कें जो बहुत आसानी से ट्रैफिक था, टांगे चलते थे, अब नहीं है, अब तो बहुत सी जगह पैदल चलना ही मुश्किल हो गया, इस कदर क्राउडेड हो गया है वो इलाका हमारा पेशावर। नाज़रीन, अब हमारे प्रोग्राम का वक्त चूंकि ख़त्म होने वाला है, जाते जाते मैं आपको एक बात बता देती हूँ। गुजरांवाला के बारे में ये तो सभी जानते हैं कि ये पहलवानों का शहर है,
लेकिन इसका नाम गुजरांवाला क्यों पड़ा? हुआ ये कि एक बार अमृतसर के सांसी जाटों ने गोजरों के एक कबीले को अपने शहर से निकाल दिया। गोजरों के काफले चिनाब की तरफ चल पड़े और रास्ते में एक गांव में उतरकर उन्होंने डेरा डाल लिया। फिर उन गोजरों की वजह से इस जगह का नाम गुजरांवाला पड़ गया। गुजरांवाला तारीखी शहर नहीं है, मुगलिया दौर की किताबों में भी उसका नाम नहीं मिलता, अकबर के दौर में भी यहाँ एमनाबाद और हाफिजाबाद बसाए गए, लेकिन गुजरांवाला गुमनाम रहा। इस शहर को शोहरत उस वक्त मिली जब रंजीत सिंह के दादा चरत सिंह जाट ने इस पर कब्जा कर लिया और गुजरांवाला को अपना सदर मकाम बना लिया। मेरी धरती मेरी दुनिया यकीनन आपको पसंद आया होगा। अपनी पसंद और नापसंद के बारे में हमें जरूर बताइएगा। कल फिर हाजिर होंगे धरती के नए रंगों के साथ। लेकिन जाने से पहले आपको बताती चलूं, जो कि ऑफ कोर्स बताना है, कि प्रोग्राम के शुरू में आपको जो तस्वीर दिखाई गई थी वो तस्वीर है एक तारीखी मकाम राजकटास की। ये हिंदुओं का एक मंदिर है जो कि वाकया है पंजाब के जिला चकवाल के एक गांव कटास में। इस मंदिर को हिंदू देवता शिव से मंसूब किया जाता है और कहा जाता है कि ये मंदिर महाभारत के दौर का है और यहाँ पांडवों ने भी जिलावतनी का एक दौर गुजारा था। हिंदुस्तान और दुनिया भर में जहाँ कहीं भी हिंदू आबाद है वो हर साल मंदिर में लगने वाले मेले में जरूर शिरकत करते हैं। मंदिर के साथ एक तालाब है जिसके मुतालिक हिंदू मजहब के मानने वालों का यकीन है कि इसका पानी पवित्र यानी पाक है और जो इसमें स्नान कर लेता है वो भी पवित्र हो जाता है ना मजे की बात। इसके साथ ही इजाजत दीजिए, कल फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।